नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार वासियों के लिए अहम सूचना, अगर आप भी बाइक और कार से रोजाना सफर करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि इस महीने एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आपको बिहार के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलने वाला है। नतीजतन आपको या तो अपनी गाड़ी को धक्का देकर घर या अपने गंतव्य तक जाना होगा, या फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होगा। लेकिन अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो 31 मई से पहले अपनी पूरी टंकी को फुल करवा लें। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी हम आपको आगे जरूर देंगे, लेकिन इस बात को आप गांठ बांध लें कि 31 मई को आपकी गाड़ी बिना तेल की नहीं रहनी चाहिए, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बिहार में 31 तारीख को सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने एसोसिएशन के बुलावे पर यह निर्णय लिया है कि 31 मई को सभी पेट्रोल पंप कंपनियों से तेल नहीं लेंगे, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। हालांकि राहत की बात बस इतनी सी है कि एसोसिएशन की तरफ से अब तक ये निर्णय नहीं लिया गया है। जानकार लेकिन यही मान रहे हैं कि एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रहने वाला है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल पंप मालिक आखिर ये विरोध कर क्यों रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये विरोध कमीशन कम होने के नाम पर जताया गया है। पेट्रोल पंप मालिकों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि तेल कंपनियां टैंकरों से तेल गायब होने की शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में भी बीते कुछ दिनों से वृद्धि ही देखने को मिल रही है, लेकिन डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिससे कि पंप मालिक का गुस्सा फूटने लगा है। डीलरों का ये भी कहना है कि पंपों पर ग्राहकों की सुरक्षा की मांग भी लगातार की जा रही थी, लेकिन इसके लिए कंपनी अपनी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही है। इस कारण से भी पेट्रोल पंप मालिक और डीलरों ने अब ठान लिया है कि 31 मई को तेल कंपनियों से तेल नहीं लेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस पूरे विरोध में एसोसिएशन कोशिश कर रहा है कि आम लोगों को कोई खास परेशानी ना हो। इसी को लेकर एसोसिएशन ने तय किया है कि अभी निर्णय इस पर लिया जाना है। सबसे अहम बात यह है कि पंप मालिकों का ये विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं देखने को मिलने वाला है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली समेत 14 राज्यों के पंप मालिक भी इसका विरोध करने वाले हैं। इन सभी राज्यों के डीलरों ने तय कर लिया है कि 31 मई से ऑयल डिपो से डीजल की खरीदारी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये सभी पेट्रोल पंप मालिक अपनी दो मांगों को लेकर जिद पर बैठे हैं, जिसके तहत ही सरकार पर दबाव बने इसके लिए 31 मई से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का फैसला ले चुके हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी दो मांग है क्या, तो हम आपको बता दें कि पंप मालिकों का गुस्सा है कि साल 2017 के बाद से पेट्रोल डीजल बेचने पर उनका कमीशन ही नहीं बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम स्टॉक रखने के लिए डीलरों को जो निवेश करना होता है वो महंगे दामों के कारण आज के समय में दोगुना हो चुका है। पेट्रोल पंप मालिकों का ये भी कहना है कि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत 60 से 65 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल 50 से 55 रुपए प्रति लीटर मिल रहे थे, उस समय के कमीशन आज जब पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है तब भी मिल रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो पेट्रोल बेचने पर पेट्रोल पंप मालिकों को 3.85 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल बेचने पर 2.58 पैसे प्रति लीटर का ही कमीशन मिलता है। इसी के विरोध में अब बिहार समेत अन्य राज्यों के पेट्रोल पंप मालिकों ने अपने अपने राज्यों में विरोध करने का फैसला लिया है। अगर ऐसा हुआ तो 31 मई को सभी पेट्रोल पंप बंद रह सकते हैं। हालांकि आप इस झंझट में ना फंसे, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।